नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ पहला T20 मैच जीतेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच पहला T20 मुकाबला अब शुरू हो चुका है, जहां इसी बीच भारत की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने यहां शतक के करीब वो पहुंच चुके हैं। क्या चल रहा है टीम इंडिया का स्कोर, किसने बना लिया, कितने रन, कौन खेल रहा है, कितने रनों पर लाइव, वो सब आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में से पहला T20 मैच कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ दौरे पर गई हुई है, और इस दौरे पर हम सभी को रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे अनेक खिलाड़ी टीम इंडिया में अब शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जो T20 मुकाबला खेला जा रहा है उसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रदर्शन अब तक कर दिखाया है। दोस्तों, टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अब भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार करवा दिया है, और अभी भी मैदान पर रोहित शर्मा, विराट कोहली ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ये पहला T20 मुकाबला शेर ए बंगला स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले का लाइव प्रसारण अपने टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर देख सकते हो। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो उसके लिए आप सभी हॉटस्टार एप्लीकेशन का उपयोग कर पाओगे, जहां ये मुकाबला दिखाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, आज खेला जा रहा ये वार्म अप T20 मुकाबले की अगर लाइव अपडेट बताएं तो दोस्तों, यहां पर टीम इंडिया की तरफ से आज पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और केएल राहुल ने की थी, जहां केएल राहुल एक बार फिर से खराब प्रदर्शन करके आउट हो गए। दरअसल दोस्तों, उन्होंने मात्र 22 रनों की पारी खेली। तो वहीं केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर, जहां श्रेयस अय्यर भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए और वो 12 रन बनाकर ही आउट हो गए। और टीम इंडिया के ये दो बड़े झटके 50 रन से पहले ही लग चुके थे। हालांकि अभी भी मैदान पर रोहित शर्मा टिके हुए थे, लेकिन दूसरे छोर पर फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे दीपक हुड्डा, जो कि आज 32 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि दोस्तों, ये तीन बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब एंट्री होती है विराट कोहली की, जहां इसी बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच सत्य साझेदारी बस मात्र 40 गेंदों में ही पूरी हो जाती है, और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने छोर पर टिककर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। जहां इस दौरान रोहित शर्मा ने मात्र 58 गेंदों में 102 रनों की पारी खेली, और वहीं उनका साथ निभा रहे विराट कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी बखूबी रोहित शर्मा का साथ निभाया और ठीक उन्हीं की तर्ज पर खूब छक्के चौके लगाए, जहां उन्होंने आज के इस मुकाबले में 87 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि दोस्तों, ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रदर्शन देखकर पूरा भारत देश भी हैरान रह गया कि आखिर इन बल्लेबाजों ने ऐसी पारी खेल कैसे ली, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के बाद अब भारत के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टीम में वापसी की है। और अब एक बार फिर से रोहित शर्मा का फॉर्म तो हम सभी को अच्छा देखने के लिए मिला ही, लेकिन विराट कोहली अभी भी अपनी फॉर्म को बरकरार रखे हुए हैं, जो कि उन्होंने T20 विश्व कप में छोड़ी थी। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने के बाद तो पूरा भारत हैरान है, जहां हर कोई इनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो कि भारत और बांग्लादेश की टीम में से कौन सी टीम पहला वनडे मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।